वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये बेबी कैप बनाऊंगी। ये 0 से 6 मंथ के लिए है और ये मैं आपको शुरू करके बताती हूँ। ये मेरी 4 प्लाई की ऊन है और ये 250 mm का मेरा क्रोशिया है। और ये मैजिक रिंग बनाएंगे ऐसे 2 फिंगर्स पे, ऐसे करके आप ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे हम इसकी चैन बनाएंगे और इसको ऐसे पक्का कर देंगे और इसमें 3 चैनें बनाएंगे। इसको भी काउंट करेंगे 1, ये डबल क्रोशिया बनेगा, ये 2, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डबल क्रोशिया बन गया। और इसको ऐसे धागे को ऐसे खींच देंगे और ये पक्का नोट लग गया ऐसे। और जो हमने 3 चैनें बनाई थी और ये जो ऊपर से ये आपको ये चैनें नज़र आ रही हैं, ये फर्स्ट चैन को ऐसे ही ऐसे लेंगे और इसका ऐसे नोट लगाएंगे। ये देखिए ऐसा हो गया। और अब 3 चैनें लेंगे, 3 चैनें लेंगे, ये सॉरी 1 चैन ही लेंगे, 1 चैन लेंगे और जहाँ से हमने ये चैन बनाई थी ऐसे ही हम इसको ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे फ्रंट इधर से लेंगे, जो हमने चैन बनाई है उसी से लेंगे, शुरू करेंगे ये यहाँ से ऐसे जैसे डबल क्रोशिया बुनते हैं, ऐसे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया, ठीक है। और इसी के साथ ही ये हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये 10 है, 10 में सब में फ्रंट पोस्ट बनेगा, ये सेकंड वाले में हम ऐसे उठाएंगे आगे से, ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, आगे से उठाएंगे ऐसे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर इसके साथ ही इसमें हम डबल क्रोशिया एक बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनता चला जाएगा, एक एक फ्रंट पोस्ट बनता चला जाएगा, ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 10 फ्रंट पोस्ट बनेंगे और 10 ही डबल क्रोशिया बनेंगे। अभी फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर इसके साथ ही हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और चला जाएगा, एक फ्रंट पोस्ट फिर डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ऐसे बनते हुए मैं आपको सेकेंड रो शुरू करके बताती हूँ। ये डबल पोस्ट जो मेरे बनाई थी फ्रंट पोस्ट, ये 10 बन गए और इसी में ही एक एक डबल क्रोशिया बना। और ये लास्ट का जो ये 10 वा था जो फ्रंट पोस्ट बनाया और इसी के साथ ही, क्योंकि हमने यहाँ फ्रंट पोस्ट से शुरू किया तो बीच में एक डबल क्रोशिया आएगा, एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और 10 डबल क्रोशिया हो गए, 10 फ्रंट पोस्ट हो गए। और जो हमने एक चैन ली थी, ये देखिए ये हमारा ये बना हुआ चैन ऊपर से आ रही है और यहाँ से ही हम ऐसे इसको स्किप करेंगे, तो देखिए पता भी नहीं चलता कि कहाँ से शुरू किया है, कहाँ से हमने बंद किया है। तो ये देखो हमारा सेकंड रो पूरा हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और जहाँ से हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया था और इसी पे ही फ्रंट पोस्ट बनते चले जाएंगे, देखिए, और फिर हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता चला जाएगा। ये फ्रंट पोस्ट बनाया और यहाँ पर 1 क्रोशिया हमारा डबल क्रोशिया था, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा इधर से देखिए जो 1 डबल क्रोशिया बनाया था इसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनेगा और सेकंड वाले में इसी में हमारा 2 डबल क्रोशिया बने, ये 2 डबल क्रोशिया हमारा बन गया, एक हमारा डबल पोस्ट बन गया, ये फ्रंट पोस्ट बन गया, 2 डबल क्रोशिया बन गया। और इसी में ही अगला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको हम उठाएंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, अब सब में एक फ्रंट पोस्ट
और टू डबल क्रोशिया बनेगा, वन बन गया डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया बन गया, टू बन गए और फिर हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। ऐसे ही हम बनाते चले जाएंगे, आप बनाइए ऐसे वन डबल क्रोशिया, ऐसे टू डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। और आपने देखा कि हमने फ्रंट पोस्ट बनाए और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ साथ एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेकंड में फ्रंट पोस्ट बनाया, टू डबल क्रोशिया बनाया, इसको पूरा करेंगे और जो हमारा आगे बनेगा वो फ्रंट पोस्ट बनेगा और थ्री डबल क्रोशिया बनेगा, फिर हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया बनेगा। ऐसे करते हुए हम सात और आठ ऐसे बनेंगे। मैं आपको फिर शुरू करके बताती हूँ। ये मेरा तीसरा राउंड पूरा हो गया। यहाँ पर हमने फर्स्ट बनाया था, यहाँ सेकंड लिया डबल क्रोशिया, अब एक चैन बनाएंगे और जो पहला ये फ्रंट पोस्ट है हम इसमें बनाएंगे ऐसे, ये दो का एक करेंगे ऐसे। हमने दो ऊपर अभी बनाए थे डबल क्रोशिया, अब हमारे थ्री हो जाएंगे। ये देखो वन बनाया, डबल क्रोशिया लिया, सेकंड बनाया डबल क्रोशिया, इसमें थर्ड बनेगा डबल क्रोशिया, ठीक है। और इसी में ही जहाँ पर हमने लिया है यहीं पर हमारी फ्रंट पोस्ट बनेगी। ऐसे देखिए ऐसे फ्रंट पोस्ट बनता चला जाएगा, देखिए ऐसे आता चला जाएगा, जैसे ये आए हैं ऐसे ही हमारी ऐसे बनता चला। अभी हम क्या करेंगे, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर थर्ड डबल क्रोशिया लेंगे, तीन बन गए और फिर हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे बने, ये देखिए ये मेरा फोर्थ रो पूरा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया इधर से डबल क्रोशिया एक लिया फ्रंट पोस्ट के साथ, फिर टू डबल क्रोशिया, फिर थ्री डबल क्रोशिया, अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, फ्रंट पोस्ट बन गया। और अपने अभी ये फोर्थ वाले उसमें हमने थ्री डबल क्रोशिया लिया था, अब हम कितने बनाएंगे, फोर्थ बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया बनेगा, ये टू थ्री और ये फोर्थ, चार बन गए, चार डबल क्रोशिया बन गया। और हम क्या करेंगे, अब ये इसी में ही ये जो हमारा ये सीधा सीधा जैसे फ्रंट पोस्ट आ रहा है इसी के ऊपर ही हमने उठाते चले जाना है, इसको चेंज नहीं करना, तभी आपकी ये ऐसे ही लाइन बनेगी। ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम फोर्थ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री ये फोर्थ, और जिसमें हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाते हैं वहाँ तक हमारा फोर्थ आएगा और फिर ये इसी को फ्रंट पोस्ट हो ऐसे उठाएंगे, आगे से उठाएंगे तो फ्रंट पोस्ट कहलाता है। तो ऐसे बनते, ऐसे बनाइए, ऐसे हमारे ऐसे रो बनते चले जाएंगे। अब फोर्थ रो बना है, फिर फाइव, फिर सिक्स, ऐसे ही बनता चला जाएगा। और ऐसे ही हम सेवन सेवन हमारे डबल क्रोशिया आ जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रो चल रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ से टेन डबल क्रोशिया से शुरू किया और मैंने आपको बताया फ्रंट पोस्ट बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है डबल क्रोशिया, ऐसे करते हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हमने यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया आ चुके हैं। तो मैं आपको एक बार और बनाना बता देती हूँ। यहाँ से ये हमने यहाँ से वो लिया फ्रंट पोस्ट बनाया, ये देखिए फ्रंट पोस्ट ऐसे उठाएंगे, एक बार और बता देती हूँ आपको, फ्रंट पोस्ट बनाया और ऐसे ही डबल क्रोशिया हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारा नाइन्थ रो बन गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का बनाते हैं तो उसको हम कितने रो बनाएंगे, आप सिर्फ
यहाँ पर सिक्स रो ही बनाएंगे, है ना, सेवन्थ रो बनाएंगे, है ना। और अगर आप सिक्स मंथ के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये दो रो और बनाएंगे, नाइन्थ रो बनाएंगे। और इंचों में नापें तो हमारा सेंटीमीटर में हम 5.5 सेंटीमीटर, ये इंची में, और उसमें नापे तो सेंटीमीटर में तो 14 सेंटीमीटर आप बनाएंगे न्यू बॉर्न बेबी का। और सिक्स मंथ से लेकर 1 ईयर्स के लिए हम कितना बनाएंगे, 16 सेंटीमीटर, और इंचों में नापे तो 6। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बन चुका है, ये 6 मंथ के लिए है, ये हमारा देखो 16 आ रहा है। अगर आप हीरो से 3 मंथ के लिए भी बनाते तो 14 सेंटीमीटर बनाइए, और 6 मंथ के लिए 16 बनाइए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा 1 ईयर्स का बनाना है तो एक रो और बना सकते हैं, 17 कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आप रखिए, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब ये देखो हमारा ये नीचे का बेस बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे मैंने आपको दिखाया है 4 रो मैंने सिंगल क्रोशिया के बनाए हैं, फिर ये डिज़ाइन डाला है, 4 रो मैंने फिर बनाए हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, सिंगल क्रोशिया इसमें कहीं बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, आप इसमें सिंगल क्रोशिया बुनते हुए देखिए ऐसे ऐसे डालिए, हर उसमें स्टिच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बुनते हुए, ऐसे सिंगल क्रोशिया बुनते हुए हम इसमें 4 रो बनाएंगे। ठीक है, आप ये बनाइए, फिर मैं आपको डिज़ाइन डालना बताऊंगी, फिर उसके बाद 4 रो हमारे सिंगल क्रोशिया के बनेंगे। और ये स्लिप स्टिच बनाया हुआ है, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। और इसमें ये मैंने ये बनाया है, ये पुम्बन बोलते हैं। चलो ठीक, ऊपर बने जो मैंने आपको बताए 4 रो मेरे सिंगल स्टिच के बने, और ये मैं डिज़ाइन आपको डाल के बताती हूँ। 3 में हमने चैने ली, और 1 को ये स्टिच को स्किप करेंगे, और सेकंड वाले में डालेंगे ये डबल क्रोशिया डाला, और नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया डाला, 2 डबल क्रोशिया हो गया। और जो हमने ये पीछे छोड़ा था, स्किप किया था, तो इसको हम इधर भी डबल क्रोशिया बुनेंगे, पर ऐसे बुनेंगे ऐसे, ये देखिए हमारा ऐसे डिज़ाइन सा आ जाएगा। फिर एक स्किप करेंगे, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे, और फिर नेक्स्ट बुनेंगे डबल क्रोशिया, ऐसे हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। और जो पीछे हमने छोड़ा था, स्किप किया था, इसको हम ऐसे ही बुन के जाएंगे। देखिए ऐसे ये भी डबल क्रोशिया बुनेगा, पर ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा। ऐसे मैं एक दो और आपको बताती हूँ, स्किप करना है, एक सेकेंड वाले में डबल क्रोशिया डालना है। और मैंने आपको बताया अगर 0 नंबर पे हीरो बेबी का न्यू बॉर्न का बनाएंगे तो आप 40 सेंटीमीटर आप इसका नीचे का ये बेस बनाइएगा। और अगर आप हीरो से आगे बढ़ाते हैं, 6 मंथ के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 1 रो ज़्यादा बनाया, नहीं तो 8 रो बनाते हैं, 14 बनाना है। ठीक है, और आपका हाथ का फ़र्क पड़ता है जैसे है, तो आप 14 के हिसाब से बनाइए, एक आधा रो आगे पीछे हो सकता है, किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का लूज़ होता है, तो आप अपने आराम से बनाइए, अच्छा बनेगा आपका। और मेरा हाथ ऐसे है, तो मैं ये जो बनाया है, और ये 60 इंची में यानी कि 16 सेंटीमीटर बनाया है, सेंटीमीटर में आप नापेंगे तो 16 सेंटीमीटर ये मेरी कैप तैयार होगी, जो 6 मंथ के लिए होगी। अगर 1 ईयर्स के लिए भी आप बनाएंगी तो तब भी आप सिर्फ 1 रो बनाइए, बढ़ा सकते हैं, और ऊपर बिल्कुल बेस ऐसा ही रखिए, 10 उससे डबल क्रोशिया से शुरू करके ऐसे ही बनाएं। ठीक है, आप ऐसे बनाइए, और उसके बाद 4 रो ऐसे ही बनेंगे सिंगल इसके, फिर मैं आपको ये स्लिप स्टिच मैं आपको बना के बताती हूँ। ये मेरा बन के तैयार है ना। और मैंने आपको बताया मैं 6 मंथ के लिए बना रही हूँ, तो हम इसका 6 इंच बनाएंगे, 6 इंच बनाएंगे, और ये भी मेरा 6 इंच बनेगा।
और ये मेरा वूलन थोड़ा पतला था, हाथ का फर्क पड़ जाता है, इसीलिए ये पूरे वो पूरा यहाँ तक बन नहीं रहा था, तो 5.5 आ रहा था, तो मुझे एक ये रो इसमें बढ़ाना पड़ा। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए, आपका हाथ लूज़ है टाइट है, वूलन का भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो आप इसको आप अगर जीरो मंथ से 6 मंथ के लिए बना रहे हैं, तो आप न्यूबॉर्न बेबी का बना रहे हैं, तो आप 5.5 ही रखिए। और ये मैंने 6 इंची का बनाया है, 6 मंथ के लिए बनाया है। अगर 1 ईयर्स के बनाते हैं तो आप ये इसमें एक रो और बढ़ा दीजिए ऊपर वाले में, और नीचे में भी एक और रो और बना दीजिए, आप बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ये मैंने बनाया, और आपको मैं ऊपर से ये स्लिप स्टिच बना रही हूँ, स्लिप स्टिच मैं बना रही हूँ जो लास्ट का है। तो कैसे बनाएंगे, हम ऐसे लेंगे और इसको ऐसे स्किप करेंगे, ऐसे स्किप करते ऐसे पूरा ऊपर से हम कैप का वो बनाएंगे। आप अपनी समझदारी से बनाइए, शुरू करिए, जैसे मैंने आपको शुरू करना बताया कि अपना ये डबल क्रोशिया हम 10 बनाएंगे और उसको हम बनाते चले जाएंगे। 9 रो पे हमने बढ़ाया है ना, और जैसे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक एक अपने डबल क्रोशिया बढ़ाते गए, ऐसे करते हुए मैंने 9th रो बनाए थे, फिर हमने सिंगल क्रोशिया के 4 रो बनाए, फिर डिज़ाइन डाला। तो ये जो अगर 6 मंथ के लिए बना रहे हैं तो आप 6 इंची ही बनाइए, ठीक है, आप ऐसे ही बनाएंगे तो आप ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए बन के तैयार है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम कैसे बनाएंगे। ये बनाएंगे, ये जो हमने ये बनाया है, फिंगर को 3 मिला के ऐसे ये 1.5 इंची में बनता है। तो आप बेबी के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए, तो आप 1.5 इंची का ही बनाइए, या तो कोई गत्ता ले लीजिए या उंगलियों से ऐसे इसको 60 बार डालेंगे। ठीक है, ऐसे 60 बार डाल के ऐसे बनाते जाएं, ऐसे ऐसे लपेट के आप ऐसे करते जाएं, ऐसे करते जाएंगे, और फिर बीच में हम इसको ऐसे बांध देंगे और दोनों तरफ से इसको काट के फिर इसको मैंने सुई से सिल दिया है। ऐसे जैसे करेंगे ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे ऐसे इसको हम पक्का बना देंगे। ठीक है, ऐसे पक्का बना के इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, तो ये बहुत अच्छा वैसा बन जाएगा, तो आप इसमें इसको लगा सकेंगे। ठीक है, आप ऐसे बनाइए, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, आप बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत आसानी से मैं बताती हूँ सिखाती हूँ, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।